हेलो व्हाट्सअप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे एस टी टी पी पोस्ट मैथड इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन जी हाँ गाइस तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ इससे पहले हमने देखा एस टी टी पी गेट मैथड देन हमने देखा डिलीट मैथड आज हमें देखना है पोस्ट मैथड क्या होता है इसका मतलब सो वी हैव दिस आवर रिएक्ट फुल स्टैक एप्लीकेशन जहाँ पे वी हैव टाइटल एंड देन पोस्ट सो लेट्स इमेजिन टाइटल पर मैं लिख देता हूँ थापा पोस्ट पर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब ठीक है एंड मैं ऐड पर क्लिक करूँगा सो द मोमेंट मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं नेटवर्क पे भी जाना चाहूँगा एंड मैं रिफ्रे सॉरी ऐड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ऐड मिला पे लोड में आप देख सकते हो कि मुझे बॉडी एंड टाइटल मिल रहा है आपको जूम करके दिखाता हूँ भैया अगर आप देखोगे तो देखो पे लोड में मुझे डेटा आ रहा है यहाँ पर ठीक है वहीं अगर प्रीव्यू पे चलता हूँ तो प्रीव्यू पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है तो ये डेटा एक्चुअल में हम सिर्फ अपने एप्लीकेशन पे ऐड नहीं कर रहे हम रियल जो एपीआई है वहाँ पे ऐड कर रहे हैं अब मैं अगर एकदम बॉटम पे जाऊंगा जाऊँगा गाइस सी अब आप देखो 101 पे अभी जस्ट मैंने जो ऐड किया था वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है एंड मैं अगर डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट भी हो जाएगा एंड ये एक्चुअल में मेरे ए से डिलीट होता है बाय बाय वे यहाँ पर आप देख सकते हो एक्चुअल में ये हमारे ए से डिलीट हो रहा तो ये सीरीज़ जो अभी मैं पिछले दिन, दिन से कर रहा हूं रिएक्ट वर्जन नाइनटीन तो ऑसम awesome है ही उसका रिएक्ट आउट ऑफ वर्जन सिक्स पॉइंट फोर वो भी ऑसम awesome है क्योंकि दोनों अभी तक आए ही नहीं ऑफिशियली कब आएंगे पता नहीं बट ये जो पार्टी इसमें हम एक्स की मदद से एक्चुअल प्रोफेशनल कैसे काम करते हो दिखा।, दि दिखा रहा पूरा मेथड देखो ना डिलीट दिखा रहा वरना ऑलवेज आपको गाइस क्या आता होगा पता नहीं बट देख लीजिए ठीक है तो ये जो पोस्ट मेथड हम कैसे अप्लाई कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ तो उससे पहले ये भी आपको जानना जरूरी कि जब आप पोस्ट मेथड के लिए अप्लाई करोगे तो रूट आपको देखना है एंड ध्यान देना है कि रूट क्या कहता है फॉर पोस्ट मैथड ध्यान से देखिएगा गाइस आप यहां पे हेयर वी हैव दिस पोस्ट मैथड गाइस यहां पे आप देख सकते हो हमारा जो पोस्ट मैथड है उस पर हमें एक पेलोड एक डेटा पास करना पड़ता है जो कि आपका फॉरवर्ड स्लैश एंड देन पोस्ट है ठीक है अब ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है देखो यहां पे मैं चलता हूं सो लेट्स गो विद आवर प्रोजेक्ट ओवर हियर ठीक है ये अपना पोस्ट है अब सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम अभी तक हमने इतना बना लिया है लेकिन अब हमें डेटा ऐड करना है तो डेटा ऐड करने के लिए मुझे ये तो चाहिए मुझे एक फॉर्म लगेगा जिसमें एक इनपुट फील्ड हो दूसरा इनपुट फील्ड हो और एक बटन हो सो लेट्स क्रिएट अ फॉर्म सबसे पहले सो दिस इज अ पार्ट जहाँ पे हमें डेटा दिखता है ठीक है यहीं पर ही मैं एक और न्यू सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है ऑल लेट्स वी हैव दिस सेक्शन परफेक्ट ठीक है इस सेक्शन पे अच्छा मैं डायरेक्टली ये भी तो नहीं कर सकता सो so, एक अपना रिएक्ट फ्रेगमेंट ले लेते हैं है ना अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको ऊपर करना पड़ेगा ठीक है सो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड फॉर्म में डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बनाऊँगा यू नो लाइक मैं एक अलग कंपोनेंट बना रहा हूँ फॉर्म के लिए सो इट्स अ फॉर्म या दिस इज इट ठीक है अब मैं यहाँ पे चलता हूँ हमारा ये जो सोर्स फोल्डर होगा उस पर अगर मैं आपको लेके चलूँ सो वी हैव दिस कंपोनेंट उसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करो जिसका नाम होगा फॉर्म डॉट जे तो मैं यहां पे अपना फॉर्म क्रिएट करने वाला हूं ठीक है अब ये जो मेरा फॉर्म है इस फॉर्म पे मुझे कुछ डेटा है जो पास करना पड़ेगा बताओ क्यों क्योंकि जब भी मैं कुछ डेटा ऐड करूंगा उसको मुझे कहाँ पर ऐड करना होगा एक्चुअल में ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा मेरा जो अपडेटेड फंक्शन है सेट डेटा एंड देन वो डेटा को मुझे देना पड़ेगा क्यों क्योंकि डेटा ही वो हमारा डेटा है स्टेट वेरिएबल है जिसमें हमारा सारा डेटा है ना हम मैप चला के उसको वन बाय वन दिखा रहे तो जब भी कोई यूजर यहाँ पे डेटा ऐड करेगा तो उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड का जो भी डेटा होगा मुझे यहाँ पे अपडेट करना ही पड़ेगा सो दैट्स द रीज़न वाई मुझे डेटा एंड देन सेट डेटा इन दोनों को एज अ प्रॉप्स फॉर्म कंपोनेंट में मुझे पास करना पड़ेगा सो इट्स अ पोस्ट नहीं सॉरी ये तो डेटा है पोस्ट थोड़ी है ठीक है सो आई होप गाइस आप समझ रही हो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सो इट्स अ डेटा एंड देन वी हैव अ सेट डेटा उसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेट डेटा तो ये जो सेट डेटा है बेसिकली कर्ली ब्रेसिस के अंदर दे आर दी एक्चुअल डेटा एंड ये जो डेटा मैंने लिखा है ये प्रॉप्स का नाम है ये तो आप कुछ भी लिख दो सेट थापा भी लिख सकते हो डेटा के बदले थापा भी लिख सकते हो ठीक है अब ये जो फॉर्म कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ सो एक्सपोर्ट फॉर्म एंड या दिस इज इट ठीक है सो लेट्स गो विथ रिटर्न एच हेलो फॉर्म ठीक है कंट्रोल एस सेव यहाँ पे मैं चलूंगा यहाँ पे आके कंट्रोल स्पेस ऑटोमेटिक ऊपर वो इंपोर्ट हो जाएगा ठीक है लेट्स चेक इट आउट ओवर हियर मैं अगर यहां पे चलता हूँ तो ओके या सी ओ इस जगह पे आई नो बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा है ये बट आई थिंक आप लोग को दिख रहा हेलो फॉर्म हियर मतलब वो जो कंपोनेंट था हमारा फॉर्म कंपोनेंट वो यहाँ पे ऐड हो गया बट हेलो कंपोनेंट के बदले मुझे ये चीज़ चाहिए ठीक है सो मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉर्म पे एंड सी एस एस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सो so, गाइस मैं बताना चाहूँगा मेरे पास ऑलरेडी डेटा है ऑल ऑल गाइज तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे हमारा ये जो फॉर्म कंपोनेंट था उसमें पहला लेबल विथ आवर इनपुट फील्ड दूसरा लेबल विथ आवर इनपुट फील्ड एंड तीसरा वी हैव दिस बटन ठीक है सिर्फ इतना मैंने रखा अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ सो बूम गाइस सी तो दिखने में तो ये अच्छा लेकिन वैसा नहीं दिखाई दे रहा जैसा हमें दिखना चाहिए था इस तरीके से तो आ, हम फॉर्म पे चलेंगे पोस्ट पे आइएगा ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमारे पास एक क्लास नेम होगा सेक्शन फॉर्म करके ठीक है आपको ये जो एक क्लास नेम है वो देना है ताकि उस पर भी मैंने कुछ स्टाइल ऐड करके रखा अगर मैं दिखाता हूँ सो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का स्टाइल मैंने देखे रखा हुआ है ठीक है ये देख लीजिए फॉर्म डिस्प्ले फ्लैक्स गैप दी हुई है ये मेरा इनपुट का डेटा आप चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो पढ़ सकते हो एंड या इतना ही है एंड बूम गाइस सी ये देखो है ना कितना ज़्यादा ऑसम और राइट इतना मेरा काम हो गया है अब यूज़र जब भी यहाँ पे कुछ टाइप करेगा उसको मुझे गेट करना है एंड मेरा जो एक्चुअल एपीआई है वहाँ पे मुझे पोस्ट करना है ठीक है तो अब सबसे पहले इसको आप यहाँ पे हटाइए लेट्स गो विथ आवर पोस्ट एपीआई जहां पे हमने गेट मेथड के लिए फंक्शन बनाया डिलीट मेथड के लिए हमने फंक्शन बनाया ना वी विल क्रिएट अ फंक्शन फॉर आवर पोस्ट मेथड ठीक है पोस्ट मेथड तो देखो सेम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पोस्ट डेटा इस तरीके से फैट एरो फंक्शन एंड सेम यहाँ पे वो ये रिटर्न आपका जो इंस्टेंस है ए पी आई डॉट वी नीड टू कॉल द पोस्ट मैथड यहाँ पे आपको रूट देना एंड दैट इज योर पोस्ट एंड या दिस इज़ योर पोस्ट एंड एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा जब आप अपने ए जो हमारा ए है वहाँ पर अगर आपको डेटा ऐड करना है तो ए को बताना तो पड़ेगा ना कि कौन सा डेटा ऐड करना है राइट right? तो उसी के लिए मैं यहाँ पे चल के मैं डेटा या पोस्ट आपकी मर्जी आप कुछ भी लिख सकते हो ठीक है सो एक काम करते पोस्ट लिख देते एंड मेक श्योर करना कि पोस्ट में एस है और जो मैं पोस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ उसमें एस नहीं है एंड मैं कॉमा दूंगा एंड पोस्ट पास कर दूंगा सो so, हो क्या रहा है यहाँ पे हो ये रहा है कि इस रूट को मैं कॉल कर रहा हूँ एंड ये वो पोस्ट है जो मुझे ऐड करना है एंड इतना याद रखना जब भी आप पोस्ट मेथड के साथ खेलते हो ये आपका कन्वेंसन है कि इस तरीके से आपको रूट कॉमा आपका जो पेलोड आपका जो डेटा है वो पास करना पड़ता है ठीक है जैसे डिलीट में हमने कुछ आईडी अलग से पास नहीं की हमने डायरेक्ट उसी रूट पे पास किया देखो ना उसी रूट पे वो आईडी पास कर दी क्योंकि ये एपीआई का रूल है इस तरीके से पोस्ट के समय आपको कॉमा देके सेपरेट पोस्ट करना है अब ये जो फंक्शन है उसको मुझे कॉल करना होगा सिंपल ठीक है लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने से पहले अब हम वापस हमारे फॉर्म पे आते हैं सो so, यहाँ पे लेट्स गेट आवर दो टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल ले, ले लेते हैं या तो ऐड डेटा कर देता हूँ ईजी रहेगा सेट आ, वी हैव अ स्टेट एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मुझे दो ही तो डेटा चाहिए है ना वन विल बी माई टाइटल ठीक है एंड अनदर विल बी बॉडी एंड मुझे ना यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा इस जगह पे तो मैंने एक नया स्टेट वेरिएबल बनाया इसलिए बनाया ताकि मैं अब यहाँ पे उसको ऐड कर सकूँ सो फॉर द वैल्यू इट विल बी माई क्या था एट डेटा राइट एट डेटा डॉट टाइटल और साथ ही साथ में इसमें ऑन चेंज हमें ये कॉल करना ही पड़ता है एंड ये आपका कंट्रोल्ड कंपोनेंट है ऑन चेंज ठीक है अब इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो डायरेक्टली यहीं पे आप डेटा ऐड करवा सकते हो एल्स लेट्स को विथ हैंडल ठीक है ये एक फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर हम चलते हैं सो वैल्यू इसका हो, होगा बॉडी एंड uh, इसको एज इट इज़ रखना है ऑल ठीक है अब गाइस अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैंने वैल्यू में ये क्यों पास की एंड ऑन चेंज में मैं ये फंक्शन क्यों पास कर रहा हूँ उसके पीछे का क्या रीजन है देन गाइस आई हाईली रिकमेंड मेरा जो रिएक्ट वर्जन 19 ट्यूटोरियल है उसको प्लीज चेकआउट कीजिएगा ठीक है रिएक्ट हुक्स चैलेंज या यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हैं कंट्रोल वर्सेस अनकट्रोल हैंडलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन लॉग इन फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म तो सारे आपको मिलेंगे ये सब आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो नंबर फोर्टी सेवन से लेके फिफ्टी थ्री तक ठीक है ऑल राइट right, ठीक है ये जो फंक्शन आपने बनाया है ये फंक्शन का मेन काम ये है कि जब भी यूज़र कुछ भी टाइप करेगा वो डेटा यहाँ पे ऐड हो जाए बस इसका काम इतना ही है सो कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज ठीक है इस तरीके से अब ध्यान से देखना अब हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र किस समय कौन से इनपुट फील्ड पर टाइप कर रहा है ठीक है तो उसके लिए ऑलवेज हमारे पास ना एक इवेंट uh, ऑब्जेक्ट होता है जो हमें मिलता ही मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं कॉन्स्ट नेम विल बी इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम ठीक है कॉन्स्ट एंड वी हैव वैल्यू विल बी इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अब ये जो नेम है एंड देन ये जो वैल्यू है ये बेसिकली ये वैल्यू का फील्ड हमें मिलेगा एंड नेम का फील्ड तो मेक श्योर sure कि नेम का जो फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेम का फील्ड मस्ट बी इक्वल टू योर दिस वाला फील्ड इस नेम uh, का फील्ड देखो ना मस्ट बी इक्वल टू योर ये वाला फील्ड हमारा बॉडी ठीक है अब मुझे डेटा तो आ गया है आप चाहो तो इसको आप फर्दर डिस्ट्रक्चर कर सकते थे यू नो बट लेट इट बी अब मैं क्या करूँगा सिंपल सेट एड डेटा फैट एरो फंक्शन फसन यहाँ पर एंड ना हमें प्रीवियस डेटा मिलता है सो so गाइस uh, एक काम करता हूँ आप लोगों को ना मैं जल्दी से एक बार ये प्रीवियस डेटा दिखा देता हूँ ठीक है ये क्या आपको मिल रहा है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए uh, क्या चलेगा क्या ये कोड ओके okay, चल तो रहा है इंस्पेक्ट कंसोल अरे बहुत सारे डेटा इनको मैं हटा रहा हूँ एक पल के लिए मैं थापा लिखता हूँ एंड द मोमेंट मैंने ओके सो फॉर्म डॉट फोर्टीन या सी ये जो फोर्टीन नंबर पे है मुझे क्या मिल रहा है एक एम टी टाइटल एंड देन एम टी बॉडी मिल रहा है ठीक है प्रीवियस डेटा क्योंकि मेरा प्रीवियस डेटा तो कुछ था ही नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम ही कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर आप देख ही लो प्रीवियस डेटा करने पर मुझे ये डेटा मिल रहा है बॉडी एम टी टाइटल एम टी ठीक है तो मैं क्या करूँगा इसको मैं अब हटा रहा हूँ आई होप पता तो डॉट 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 जो भी प्रीवियस डेटा रहेगा नो प्रॉब्लम लेकिन साथ ही साथ अब उसमें ये भी ऐड कर दीजिए जिसमें नेम को मैं डायनेमिक बना रहा हूँ एंड वैल्यू विल बी एज इट इज़ यहाँ पे एक्सपेक्टेड ओके आई गेस रिटर्न तो रिटर्न <laughs> करना था इनको हमें तो ये आप एक चीज़ समझना है समटाइम्स ये थोड़ा सा लग सकता है आपको ये क्या हुआ बट इन रियलिटी हुआ ये कि आपको रिटर्न करना पड़ेगा तो इतना अगर आप कर दोगे तो आपका एक काम हो गया इसको मैं हटा रहा हूँ ठीक है तो कुछ इस तरीके से अगर आप कर देते हो जिसमें आपका प्रीवियस तो आपने देखा कुछ था ही नहीं अब मैं ना अब एक्स्ट्रा डेटा ऐड नहीं कर रहा हूँ जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा है उसी में ही जो फील्ड थे मेरे टाइटल एंड बॉडी उसी को ही मैं वन बाय वन यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ ये डायनेमिक डेटा है अगर मैं टाइटल को चेंज कर रहा हूँ तो सिर्फ ये आपका टाइटल हो जाएगा एंड वहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी अगर मैं बॉडी को खेल रहा हूं तो ये बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा सो दैट्स वाई नेम आपका डायनेमिक है इधर वो होगा टाइटल या तो बॉडी अब वैल्यू तो वैल्यू रहा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अपने को ठीक है ठीक है इतना अगर आप करते हो रिफ्रेश करते हो सो नाउ देर विल बी नो मोर एनी वार्निंग और एन एरर फॉर्म पे मैं चलूंगा वी हैव बट डेटा से मतलब नहीं है सो so स्टेट या तो ये जो स्टेट है इसको मैं दिखाना चाहूंगा ठीक है यहाँ पे हमारा स्टेट देख लीजिएगा मैं लिखता हूँ थापा तब आप देखो कि टाइटल पे मुझे यहाँ पे थापा आ गया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट डेटा तो अब मुझे यहाँ पे पोस्ट डेटा आ गया आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे ये देखो ठीक है बस हो गया तो मुझे मेरा जो एग्जिस्टिंग जो भी मैं लिख रहा हूँ वो मुझे मिल गया बस किसी तरीके से इसको अब मुझे इस ए में ऐड करना है ठीक है और वो कब ऐड होगा जब कोई एड पे क्लिक करेगा सो so, हमारे फॉर्म को जब भी कोई करेगा सबमिट सो वी हैव अ ऑन सबमिट फंक्शन हैंडल फॉर्म सबमिट एंड मैंने आपको पूरा बताया कि आप जब कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए एंड ऑल ठीक है तो उसको भी प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा ठीक है यहाँ पे ठीक है सो कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट एंड गई ये तो आपको मालूम है कि आप जब भी एस्टिमल फॉर्म को गैस सबमिट करते हो तो वो आपका रिलोड होता है वंस राइट डेटा पास करने की कोशिश करता है बट वी नीड टू प्रिवेंट दैट डिफॉल्ट बिहेवियर सो so, इसलिए इसका नाम भी प्रिवेंट डिफॉल्ट है दिस इज़ इट सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ एड पोस्ट डेटा तो ये जो एक फंक्शन है मैं कॉल कर रहा हूँ ऊपर चलूँगा ये मैं इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ देखो अब यहाँ पे ये जो डेटा है आपका पोस्ट डेटा इसको कॉपी कीजिए यहाँ पे कॉल कीजिए एंड ऑब्वियसली ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है एंड वो डेटा क्या होना चाहिए वो ये हमारा ऐड डेटा क्योंकि इसके अंदर टाइटल एंड बॉडी है जो मुझे वहाँ पे ऐड करवाना था तो मैंने ये पास कर दी तो ये जो पार्ट है वही हम पहले से ही सोच के इस तरीके से हमें ये बनाना पड़ता है ठीक है वंस ये हो गया एंड ऑब्वियसली ये जो है द uh, मोमेंट आप आप इस ए को कॉल करोगे आपका जो रियल ए है वहाँ पे डेटा ऐड हो जाएगा इतना ही है हमारा ए में डेटा ऐड हो चुका है लेकिन उसको हमें फर्दर हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी ऐड करना है तो वो हम इसके बेस पे करेंगे जब तक इसका हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल जाता बेसिकली प्रॉमिस ये रिटर्न कर रहा है एंड हम ए सिंक अबेट यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो हमने इस तरीके से ए को ये डेटा ऐड करने के लिए तो बोल दिया है लेकिन वो थोड़ा सा समय लेता है तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं एंड उसका जो भी डेटा आएगा वो मैं रेस्पॉन्स पे पास कर दूंगा परफेक्ट नाउ इफ अपना ये जो रेस्पॉन्स है अगर इसका स्टेटस स्टेटस uh, रहेगा 200 तब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मेरा ये जो uh, देखो ना मैंने यहाँ पे पास किया था ओ माय गॉड एक चीज़ तो मैं ही गया कि हमने जब हम फॉर्म बना रहे थे तब डेटा एंड सेट डेटा इन दोनों का हमने यूज लिया हुआ है सो डेटा एंड देन सेट डेटा राइट right? तो ये जो मेरा सेट डेटा है इसको मैं कॉपी करूंगा ठीक है इसके अंदर एक एरे बनाऊंगा जो भी मेरे प्रीवियस डेटा रहेंगे सो रहेंगे एज इट इज यहां पे आप कुछ भी लिख सकते थे डॉट 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 लिखने का मतलब पहले का जो भी डेटा था एज इट इज अब उसके ऊपर से मुझे मेरा नया डेटा एड करना है अब वो नया डेटा क्या होगा वो होगा रेस्पॉन्स डॉट डेटा ऑल राइट right, अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि ये प्रीवियस में वार्निंग आ रही है प्रीवियस इज़ नॉट डिफाइंड ऑल राइट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ <laughs> जब आप फंक्शन क्रिएट करोगे तब आप ये करना फिलहाल अभी हमें यहाँ पे डेटा लगेगा तो ये जो डेटा है ये ऑलरेडी मेरा वो सारा एक इसके अंदर सौ के सौ पोस्ट है तो मैं प्रीवियस नहीं लिख सकता सॉरी गाइस मुझे यहाँ पे डेटा लिखना पड़ेगा मतलब मेरे सौ के सौ पोस्ट अपनी जगह ठीक उसके बाद ये वाला जो डेटा है आप ऐड कर दीजिएगा एरे में नॉर्मली आप, आपको मालूम ही होगा अब ये जो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस है अनएक्सपेक्टेड कॉन्स्टेंट कंडीशन एंड बाय द वे गाइस ये जो आता ना ये इसको मारो गोली यार ये एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ये जो पोस्ट डेटा का आपको इस तरीके से वार्निंग आ रहा है कंट्रोल एंड स्पेस ये तो हमें ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ता कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें ठीक है एंड डेटा एंड सेट डेटा ये ई ए सिलिन का जो प्रॉब्लम है ना गाइस इसको मैं एक ही बार में जड़ से इसको मैं मिटाने वाला हूँ बट फिलहाल अभी आप इतना ई ए सिलिन को हटा के रखिए तो मेरा काम हो गया इतना आप देख रहे हो ना थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी तो हो रही होगी अब क्योंकि पहले हम ये सब नहीं करते थे डायरेक्ट डेटा एंड फिर जो भी डेटा था रखा बट नहीं अब रेस्पॉन्स डॉट डेटा अब साथ uh, ही साथ कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स भी दिखाई देता हूं ना आपको है ना क्या मिल रहा है हमें नॉट रेड रेस्पॉन्स ठीक है लेट्स सी मैंने क्यों रेस्पॉन्स डॉट डेटा लिखा ये आपके माइंड में आ सकता है सवाल सो so, कंसोल पे चलूंगा इसको हटाता हूँ यहाँ पे थापा टेस्ट लिख देता हूँ एंड मैं ऐड कर देता हूँ तो आप देख सकते हो आर ई एस आर ई एस मिला राइट right? उसके बाद तो मुझे रेस्पॉन्स में क्या मिल रहा है रेस्पॉन्स में मुझे डेटा देखो डेटा डेटा में बॉडी है आईडी है एंड देन टाइटल है तो मेरा काम हो गया बॉडी है आईडी है टाइटल है हमें हम डेटा मिल गया मैंने ऐड कर दी यहाँ पे सिंपल अब इतना मेरा काम करने से तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एंड डू वी हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा वो हियर नहीं गाइस बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से हटाता हूँ देखना टेस्ट थापा एडिड ये मैंने की फ़िलहाल वी हैव टोटल हाउ मच हंड्रेड डेटा ठीक है अब मैं अगर एड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मुझे रेस्पॉन्स आ चुका है ओ गॉड एक चीज़ मैंने नोटिस की कि देखो ये मेरा ऐड हो गया बहुत अच्छी बात है लेकिन हमारा स्टेटस 201 था आप देख रहे हो स्टेटस 201 है गाइस एंड ये इक्वल टू था इसलिए ट्रिपल इक्वल टू अगर 201 होता है तो एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि हम आई मीन जब हमने डेटा ऐड किया तो ये डेटा अभी भी उधर ही पड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे ये जो डेटा था सेट डेटा उसमें जाऊंगा ठीक है ओ वही ठीक इसी के नीचे ही मैं यहाँ पर पूरा खाली नी रख सकता उसको टाइटल को मैं कर दूंगा एम एंड वी हैव अ बॉडी उसको मैं कर दूंगा एम तो डेटा तो आप ऐड कर दो उसके बाद आप उसको खाली भी कर दो खाली मीन सिर्फ अपना जो एक्चुअल का ऊपर का इनपुट फील्ड है उनको बस या गाइस इतना अगर आप करोगे अब आप देखना थापा ठीक है थापा एंड एडेड पोस्ट ठीक है अभी फ़िलहाल सौ है द मोमेंट मैं ऐड करूँगा रेस्पॉन्स आएगा डेटा देखो एम हो गई यहाँ पर मैं आता हूँ तो 101 पे मुझे वो डेटा आ गया तो आप में से बहुतों तो को एक डाउट अभी आ सकता है थोड़ी देर पहले मैंने जब ऐड किया तब वो एक सौ एक था बट अभी देख रहा हूँ तो फिर से वो गायब हो गए ये एक सौ एक आ गया वो इसलिए क्योंकि द मोमेंट आप पेज को रिफ्रेश करोगे डेटा चला जाएगा क्योंकि ये अपना तो ए पी आई नहीं है मैंने थोड़ी ए पी आई बना के या खरीद के रखा हुआ है ये तो हमें फ्री में मिल रहा है जैसन प्लेस होल्डर वाला सो डैट्स वाइज द मोमेंट आप रिफ्रेश कर दो चला जाएगा बट टिल फॉर द टाइम बिंग नाउ अभी मैं वो ऐड कर पा रहा हूँ एंड दिस इज हाउ इन रियलिटी आप काम करते हो विथ एक्सियोज एंड रियल ए पी आई ठीक है सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही देखो डेटा हमें ऐड करवाना था हमने ऐड की एंड उसके लिए हमने कितना कुछ किया पूरा एक नया कोड आज के दिन आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया लग रहा होगा आपको बट इतना सब कुछ आज हमने सिर्फ इस एक वीडियो में देखा तो अब फाइनली एक मेथड बच गया है डैट इज़ योर अपडेट वो मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में बट आज का वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना सोर्स so, कोड आप चेकआउट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट टारगेट इज सेवन लैक्स सब्सक्राइबर सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल टिदिन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर